लाइन है तो जरा बॉडी है, वीडियो में बना रहा हूँ, आइए आप उसको अपना बना लें। हम स्वागत करते हैं हमारे भाई दलजीत सिंह जी का और तमाम लोगों का। आपसे निवेदन है कि आकर के हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि हम आज के इस रंगारंग कार्यक्रम को हमेशा की तरह आगे बढ़ा सकें। हमारे सुरेश छबलानी जी आ चुके हैं, श्रृंखला का कार्यक्रम यहां पर चल रहा है, हम इसको प्रचारित एवं प्रसारित कर रहे हैं ताकि हम स्वयं को, अपने परिवार को और अपने समाज को कोविड 19 के प्रहार से बचा सकें। मिशन के प्रचार एवं प्रसार में जो भी कुछ कर सकते हैं पर जा करके इस हम ऋणी हैं, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नेता ये वो नेता नहीं है कि गुम्मा पत्थर जलाए हाथ ओवर करें, शांति से हर व्यापारी का काम करते हैं। और हमारे साथ हमारे ये सब न्यू हैदराबाद और तमाम जगह के निवासी गण, लखनऊ में ये एक ऐसा केंद्र है, हमारे वीर जी को सत श्री अकाल है और आपकी हंसी बड़ी गजब की है तो वो आज अलग से ली जाएगी। तो इस वैक्सीनेशन के लिए अजहर जमाल साहब का साथ बिछड़ गए और तीसरी लहर आए इससे पहले कि कोई हमारा मित्र यार कोरोना से इस संसार को छोड़े, तो ये हम होने नहीं देंगे। आज हमारा देश हमसे ये सहयोग मांग रहा है कि केवल आप मुफ्त टीकाकरण में जाके वैक्सीन लगवाइए। और सुरेश सबलानी जी और अजहर जमाल साहब के प्रयास से 1 जुलाई को आप नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, नजीराबाद में एक कैंप का आयोजन किया गया है और ये कैंप वहां के निवासियों के लिए है। और मैंने निवेदन किया है अजहर जमाल साहब से और सबलानी जी से कि एक कैंप हमारे यहाँ भी अरेंज करें, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो 100% टीकाकरण करने के लिए हमें अजहर जमाल साहब का और छबलानी साहब का सबका साथ है। तालियां बजा के छबलानी जी और अजहर जमाल साहब के लिए स्वागत किया जाए। ऐसी शख्सियत अगर लखनऊ में हर क्षेत्र में हो तो कोरोना को भगाने में हम तालियां जरा हंस के दिखा मन से हंसिए मन से और ये पिस्त जी मैडम जी तो सभी नहीं मैडम जी द्वापर त्रेता और कलयुग और सब में कोई न कोई पुजारी हुए हैं। कहते हैं सतयुग हरिश्चंद्र सत्य के पुजारी हुए, ध्रुव प्रहलाद आदि ईश भक्त भारी हैं, त्रेता युग पितृ भक्त श्रवण कुमार हुए, माता पिता के अनन्य भक्त श्री खरारी हुए, मातृ भक्त पितृ भक्त भ्रातृ भक्त नष्ट हुए, कलयुगी मर्द सारे नारी के पुजारी हैं। धन्यवाद। ध्यान ना दीजिएगा ज्यादा, नहीं, थोड़ा बेसुरा हो सकता है। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, आप कर्मा अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे ही आए कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, आप कर्मा आपका नाम मेरा कराना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए,
हमें दुनिया में हमारे माता पिता लाते हैं, हमको चलना बोलना सिखाते हैं, तो पहला नमन प्रातः काल उठ के हम उन्हीं को करते हैं, चाहे वो हो चाहे ना हो। ना होने का मतलब नहीं, मृत्यु के बाद भी माता पिता सदैव हमारे साथ रहते हैं। जब भी संकट आएगा आपके माता पिता का आशीर्वाद आपको उन संकटों से बचाएगा। अब कैसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जान नहीं है, कैसी डगर चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। फूल ऐसे भी है जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा कर गई। लोग ऐसे भी हैं जो जिए भी नहीं, इनको जीने से पहले ही मां आ गई। सफर है कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते जमा में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाए। ऐ परेशान नजर रुक गई चार पल, समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इसके आगे कंप्लीट तो मैं 10:25 में पहुंच गया, तो उन्होंने दरबान साहब ने गेट नहीं खोला, तो हमने कहा हम किनारे बैठ जाते हैं बेंच पे, तो ठीक है अच्छा बेंच पे बैठ जाइए कुछ बोलिएगा नहीं। तो जैसे जैसे स्टाफ आता जा रहा था तो सब 10:30 बजे एक निशागंज ब्रांच में आगे का जगह बची है उस पर खड़े हो गए सब लोग, तो वो टेप बज गया। तो उसमें ये इतनी शक्ति हमें दे देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, तो उसमें उनका भाव ये था कि आज हमसे कोई भूल ना हो, हमारा जो 10:30 से 4:30 तक काम हो उसमें कोई भी शिकायत ना हो और हम जनता की सेवा कर सकें। हमें उसने बहुत प्रभावित किया, बहुत प्रभावित किया कि आज ये भूल का